कारवां पहुंचा कश्मीर घाटी के मुख्य द्वार, जहां पहले से ही मलुहा वासी खड़े थे करने हेतु सत्कार। मलुहा का नियम है ये, जो करेगा यहां प्रवेश, सेवन करना होगा यह कहवा विशेष। करेंगे कश्मीर की सुंदर घाटी में थोड़ा विश्राम, क्योंकि निपटाना है हमें पंजीकरण का कुछ काम। ठीक है। करो तुम इन्हें प्रणाम। यह है मलुहा की चिकित्सिका आयुर्वेदी महान। मलुहा में है तुम्हारा स्वागत, करेगा कावे का सेवन प्रत्येक आगत। तत्पश्चात करना होगा स्नान, धारण करने होंगे नए परिधान। क्यों करें हम कावे का पान, क्यों धारण करें नए परिधान? शंका मन में रखना मत अब, रोग निवारण हेतु है सब। करोगे यदि तुम कावे का पान, इनके नियमों का तुम रखोगे मान। कर चुके सभी आगंतुक सेवन इसका, व्यर्थ ना समय गवाओ, अब किसकी है तुम्हें प्रतीक्षा। मान तुम्हारा रख लेता हूँ, कावा मैं ये पी लेता हूँ। शिव, मित्र शिव, सुनकर तुम होगे हैरान, कबीले में है सब परेशान। हो गया है सबको ज्वर, हाय हाय, सबके मुख से निकले यही स्वर। क्या कह रहे हो, चलो चलकर देखते हैं। अरे कोई आओ, मेरे लाल को बचाओ। अरे कोई तो इसे दवा पिलाओ। हाय हाय, कोई तो आओ। लगता है जाने का समय आ गया निकट, क्योंकि स्थिति बन गई है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मेरे लिए असहनीय हो रहा है। हो गई है अजब दुविधा, नहीं मिल पा रही कोई सुविधा। क्यों नहीं करती कोई उपचार, दे दो इनको दवा दो चार। धैर्य धरो तो, जाकर करो स्नान, मैं देखूंगी इनको, तुम ना हो परेशान। देवी ये क्या बोल रही हो, विकट स्थिति में डोल रही हो। मरे जा रहे हैं मेरे लोग, तुम्हें पड़ी है अपनी होड़। यदि तुरंत ना करोगे स्नान, फैलेगा विष जाएगी जान। नहीं मानोगी यदि मेरी बात, सहना पड़ेगा भारी आघात। मृत्यु को तुम प्राप्त हो जाओगे, कबीले को क्या खाक बचाओगे। ठीक है देवी, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा कहा मान रहा हूँ, पर आश्वस्त करना होगा हमको। ठीक करोगी तुम इन सबको? हाँ हाँ, जाइए, मैं हूँ यहाँ, चिंता ना करे, जाइए और स्नान कीजिए आप। हाल निश्चिंत हो जाइए, जनता है अब खुशहाल। न जाने मुझे क्या हो रहा है, कंठ में अति ठंडा प्रतीत हो रहा है। जरा देखे तो। हे प्रभु, हे देव, हे नीलकंठ, आखिर हमने लिया आपको खोज। हे प्रभु, कैसा है आपका ये परम प्रकाश, मिल गए आखिर जिसकी थी हमें तलाश। मैंने भी सुनी थी एक भविष्यवाणी, जिसमें बोली गई थी ऐसी वाणी कि दूर पर्वतों से एक नीले कंठ वाला आएगा और अपने कर्मों से देवगिरी का उद्धार करके जाएगा, वो नीलकंठ कहलाएगा। नीलकंठ? कौन नीलकंठ, क्या कह रहे हो, नहीं मैं समझा। कह रहा हूँ आपको बार बार, कंठ में मेरे कुछ अटका। देव, जल्द हो जाएंगे आप ठीक, विश्राम करें और कुछ समय करें व्यतीत। इसके पश्चात हम करेंगे देवगिरी की ओर प्रस्थान, जहां राजा दक्ष से मिलकर होगा आपकी समस्या का समाधान।